तो देश भर में कोरोना का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और केंद्र के साथ राज्य सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। जयपुर में इटालियन दंपति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्य सरकार ने खास दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले प्रदेशवासियों की विशेष स्क्रीनिंग भी की जा रही है। SMS अस्पताल के आइसोलेशन में बुधवार को 4 नए संदिग्ध मरीजों को भर्ती भी किया गया, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और अन्य संदिग्ध मरीजों की जांच भी जारी है। फिलहाल अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव सहित 9 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं, जिन्हें भी बुधवार को RUHS में शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना को लेकर चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को संदिग्ध मरीजों का आइसोलेशन में इलाज शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं, साथ ही इटालियन दंपति के संपर्क में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग करने और आम नागरिकों को कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए।